अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं टी ए टेक सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारे जो भी कंप्यूटर है उस पे विंडो 10 में ख़ास तौर पर बाज़ औक़ात ये नेटवर्क पे हमारी डिवाइसेज जितने भी डिवाइसेज होती हैं वो शो नहीं हो रही होती। वो क्यों शो नहीं हो रही होती, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। उसके लिए हम चलते हैं, हम तीन तरीके बताऊँगा मैं आज आपको। तो सबसे पहले जो तरीका है, हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। आप कंट्रोल पैनल यहाँ भी हो सकता है आपका, या यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। आप जाएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल में आपने जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ठीक है। आपने यहाँ ये एडवांस शेयरिंग सेटिंग में जाना है और इसके बाद आपने ये नेटवर्क डिस्कवरी इसको कर देना है आपने ऑन, ठीक है। ये भी टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग ये भी ऑन कर देना है, और टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी ये भी ऑन कर देना है। उसके बाद आपने ये प्राइवेट सेक्शन में जाना है, यहाँ भी आपने टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी ये भी ऑन कर देना है, और इसके बाद आपने टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटिंग ये भी आपने ऑन कर देना है। इसको कर देना सेव, ठीक है। अगर आपका फिर भी आपके डिवाइसेस नहीं शो हो रही, उसके बाद आपका दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने यहीं से कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने जाना है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, ये आपकी जो विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल है इसको आपने टर्न ऑन कर देना है। अगर आपकी टर्न ऑन ऑलरेडी है तो आप उसे टर्न ऑफ करके देख लें, हो सकता है आपका तब ऑन हो जाए, वो जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो आपके सामने आ जाएं। ये तरीका करने से भी नहीं होता तो आपने करना क्या है, आपने जाना है सर्विसेज में। आपने यहाँ लिखना है सर्विसेज, ये देखें ये आ गया मेरे पास, मैं इसको करूँगा क्लिक। और यहाँ से आपने दो सर्विसेज हैं उनको आपने ऑन करना है। कौन कौन सी हैं आप यहां लिखेंगे एफ़ यू एंड फंक्शन। एक तो है फंक्शन डिस्कवरी प्रोवाइडर होस्ट, इसको आपने क्या करना है डबल क्लिक करना है, और यहां से आपने क्या कर देना है ऑटोमेटिक डिलीट स्टार्ट, इसको करके आपने इसको ओके करके अप्लाई करके ओके कर देना है, ठीक है। और जो दूसरी है हमारे पास सर्विस वो ये है फंक्शन डिस्कवरी रिसोर्स पब्लिकेशन, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऑटोमेटिक डिलीट स्टार्ट ये कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। और अगर इससे भी आपके डिवाइसेस शो नहीं हो रही, इससे भी आपकी ये वाली डिवाइसेस शो नहीं हो रही, तो आपने जो चौथा फंक्शन है वो क्या करना है, हमने जाना है प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर। प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर हमारे पास ये वाली टैब ओपन होगी, यहाँ से हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली टैब ओपन होगी। उसके अंदर हमने क्या करना है SMB टाइप करना है SMB, ठीक है। ये हमारे पास आ गया SMB 1.0 CIF फाइल शेयरिंग, इसको हमने क्या करना है एक्सपेंड करना है, और इसको क्लिक करके हमने क्या करना है ओके कर देना है। ये हमारे प्रोग्राम को सर्च करेगा और ये हमारे मांगेगा रीस्टार्ट। आपने अपने कंप्यूटर को कर देना रीस्टार्ट, मैं मेरे पास ऑलरेडी ये शो हो रहे हैं इसलिए मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करता। आपके भी इस तरह ये नेटवर्क डिवाइसेस शो होना शुरू हो जाएंगी जब आप इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दें, और साथ ही बेल आइकॉन भी आ रही होगी उसको भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।